हमारे उत्तराखंड में मिलेगा? शिमला। ये पूरा कोहरा लगा हुआ है एकदम मस्त, बारिश वारिश आ रखी है, देख नहीं रहा और ठंड हो रही है। ये कंबल ले रखा था मैंने इतना मोटा, जो इतनी ठंड थी, बताओ। यहाँ अच्छा हो रहा है दिल्ली में? बढ़िया, अच्छा मौसम है। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इज प्रीति भंडारी ब्लॉग्स। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे और आपकी रियासत हम भी एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम बढ़िया है। सो हम हो गए हैं रेडी क्योंकि पूजा है भंडारा, तो बहुत सारे मंदिरों में जाएंगे ये लोग, तो मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और इनकी नीचे पूजा चल रही है अभी। और धूप भी आ चुकी है, सुबह एकदम बारिश हो रही थी, कोहरा वोरा लग रखा था और ठंड तो हो ही रही है वैसे। और देख सकते हो आप बारिश की कितना पूरा पानी भरा पड़ा है। ये छत है और इनकी छत भी बहुत बड़ी है और यहाँ से व्यू भी एकदम औसम वाला आता है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। और ये है जी अभी नीचे, अब चलते हैं नीचे, मंदिर वगैरह भी जाना है, सब रेडी हो चुके हैं ऑलमोस्ट। काशी मंदिर, कौन सा मंदिर जा रहे थे हम पहले? भूमिया भूमि मंदिर जा रहे हैं। और यह पूजा की थाली वगैरह ले रखी है, यह तेल तेल भी ले रखा है, काशी भी जा रही है, उसको ठंड भी लग रही है, उसको दो दो टी शर्ट और बाहर से फ्रॉक ऐसे डाल रखा है मैंने क्योंकि ठंड हो रही है यहाँ पे बहुत ज्यादा। आ गई है फर्स्ट क्लास। ओ वाह, कितना अच्छा व्यू है, फोटो आ रही है यार हमारी। हम सुंदर 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 फूल खिले हैं। है जिया जी, क्या बना जिया जी, नेता बन रखो आप तो। आज हम पंडित जी बने पूरे। हम जा रहे रेडी पूरा साज सिंगार करके। हेलो, जॉब दे, क्या कर रहे? बब बब कर रही है मेरे को, इतना मारूंगी। अब हम जा रहे हैं मंदिर को, कभी धूप तो कभी छाया। हाँ, ये ऊपर है कोहरा, नीचे ये है टानी की मार्केट। कितने दुकानें हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5। डॉगी रोड जा रहे हैं इनके, वहाँ भूमिया का मंदिर नीचे है, वैसे हर गांव में ऊपर रहता है, हमारे गांव में भी ऊपर ही है भूमिया का। ये है पॉली हाउस, धूप आ गई है पलती साइड को, वाओ व्यू, एकदम मस्त व्यू आ रहा है यार यहाँ से। यह है ऊपर गांव टानी का, सूरजमुखी। ये है गेट, जो नहीं पहुंच पाएगा उसके लिए भी इंतजाम कर रखा है गेट से नीचे भूमिया मंदिर के लिए, क्योंकि रोड के नीचे है इनका मंदिर। वैसे ऑलमोस्ट सबका मतलब गांव में, हमारे गांव में भी ऊपर ही होता है भूमिया का मंदिर, लेकिन यहाँ नीचे है, कुछ और इनका रूल रेगुलेशन होगा। और सो ठंड भी ऐसे लग रही है, काशी को तो मैंने कपड़े उसके उतारे ही नहीं है, बाहर से अंदर से टी शर्ट ऐसी है, बाहर से फ्रॉक ऐसे डाल ली क्योंकि ठंड, मेरे को भी ठंड लग रही है, मैंने स्वेटर ऐसे निकाल रखी है, अगर ज़्यादा ठंड लगेगी तो स्वेटर डाल लूँगी मैं, वैसे धूप तो आई हुई है। मंदिर भूमिया मंदिर, कल यहाँ पर माता की चौकी लगी थी जागरण, लेकिन बारिश की वजह से सारा प्रोग्राम उनका ख़राब हो गया क्योंकि बारिश बहुत तेज आ गई थी, तो ठंड हो गई थी तो कौन रह पाएगा इतनी ठंड में, इसलिए प्रोग्राम बंद कर दिया था बाद में, इन्होंने अंदर अंदर किया होगा नहीं, सारे लोग फिर घर जा चुके थे। और ये कुत्ते भी आए हमारे साथ दो, काशी गिरना मत हाँ। ये फयाड़ा था ना, ओ देख काशी मंकी भी आ गया उधर से। और बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया हुआ है इन्होंने भूमिया मंदिर का, एकदम मस्त टाइल वाइल लगा रखी है, अच्छे से नीचे बैठने का है, ऊपर भूमिया मंदिर है तो बहुत अच्छा है सुंदर। मंकी हेलो, अब हम जा रहे हैं दूसरे मंदिर, भूमिया मंदिर से आगे हैं हम। अब कौन से मंदिर जा रहे हैं, कौन
पितृथान जा रहे हैं। अब हम आगे से सब लोग जा रहे हैं, पीछे से मैं। बड़े यहाँ से रोड के रास्ते से ऊपर को शॉर्टकट, अभी हम उस रास्ते से नहीं जा रहे हैं, यहाँ से हम घूम के आए थे, अभी हम शॉर्टकट जा रहे हैं ऊपर गांव वाले रास्ते से। सब लोग जा चुके हैं, मैं काशी आ रहे हैं पीछे से। ये रास्ता खतरनाक वाला, माय गॉड, यहाँ पे केले का बगीचा ऐसा लग रहा है मेरे को तो। 1 2 3 4 5 ओ माय गॉड, कितने सारे। क्या मैं पीछे रह गई, काशी को लेके आ रही, साड़ी पहनी, दिक्कत हो रही है। खेत के रास्ते से जा रही है, इनके पितर थान पहुंची गए हैं, किसी दूसरे के घर में बनाया होता है, हमारे घर भी ऐसी है, घर के अंदर तो ये घर है। मंदिर पूरा थक गए नीचे से आके, तब से 2 मंदिर हो आए, तीसरे मंदिर अब जा रहे हैं, इसके बाद 1 मंदिर और जाना है ना जी। इसके बाद फिर दीपा मैया मंदिर, यह है देवी माँ का मंदिर, यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं। और मेरा हाथ पूरा ये टूट चुका है, काशवी को ला ला के तब से थक गई हूँ, अब जिया जी ला रहे हैं, और दित्या किसी और को दे दिया, सब हम जा रहे हैं, चाचा ला रहे हैं। मेरे को व्यू अच्छा लग रहा है यार, पूरा अच्छा दिख रहा है। ये काशी को ये रह रहे कंधे में हनुमान जी बन के, और दीदी की भी हालत खराब हो रही है चढ़ चढ़ के। और दीदी कैसा लग रहा है? अच्छा, और वैसे कैसा लग रहा है चढ़ाई चढ़ने में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ओ वाह, क्या व्यू आ रहा है, एकदम व्यू मस्त आ रहा है। जय माता दी। मजगी उठ के यहाँ पे हर्षिता बैठी है, इसका भाई बैठा है और बहन है। हेलो हेलो सुमित, और यहाँ पे बन रहा है खाना भंडारे के लिए, हमारे पापा जी भी काम कर रहे हैं, तो सुबह से आ गए पापा काम करने के लिए। कितना मस्त व्यू है, कह रहे हैं वहाँ पे ताला वाला लगा है क्योंकि चाबी किसी और के पास होगी, तो अब चलते हैं, देखते हैं बाहर ही दिया बत्ती करके आ जाएंगे। सो अब हम जा रहे हैं दीपा माई मंदिर, इधर से आ गए हैं, पीछे से आ रहा है हर्षु, सभी आ रहे हैं, हम जा रहे हैं। हाय, फोटो वोटो बहुत सारे क्लिक कर लिए हमने मंदिर में, अब हम जा। व्यू यार, मेरे को तो व्यू बड़ा अच्छा लग रहा है यार, यहाँ से आ रही है मस्त वाली। हाय, कहाँ आ गए हम, जन्नत जन्नत में। रियली ऑसम, बड़ा मस्त व्यू आ रहा है यार। और ये आपके फूलों का नाम क्या है, इसको पूछना है। आओ आओ आओ, जय माता की, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता की। बोलो। थोड़ा दूर है वैसे, इधर से शॉर्टकट है जाने का वैसे, नहीं तो अगर रास्ते अपने दीदी के घर से आते वहां से तो और चढ़ाई ऊपर को, लेकिन इधर से अभी हम चढ़ाई चढ़ चुके थे क्योंकि गांव में आ चुके थे, तो गांव से इधर के लिए थोड़ा सा चढ़ाई है, और बाकी सीधे सीधे जाने इधर को भी जाएंगे, और वो मंदिर भी पहाड़ी की गुफा है, नीचे गुफा के ऊपर है, उसकी स्टोरी एक्चुअली मुझे पता नहीं है, पूछूंगी। दीपा माई मंदिर है वो, यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं वैसे, बड़ा मजा आता है यहाँ, दीदी के ससुराल में बड़ा अच्छा लगता है मुझे।
ग्रीनरी ग्रीनरी हो रही है, हरियाली हरियाली। सॉरी, पता है अभी क्या करती थी? हाँ? दीपा माने आज आवाज लगाती थी कि हमको आओ बच्चों की रखा जाओ, ऐसे करती थी। हाँ, उनको बच्चों को दिखती नहीं थी दीपा माँ। अच्छा, किसने बताई ये स्टोरी तेरे को? वो गुगु ने, हम सबको बताई थी। इधर वो ऐप पे भी तो था, तू भी तो था। एक गेट है नीचे से ये आने का, ऊपर को सीढ़ियां हैं सारी, और हम आए हैं इस गेट से क्योंकि हम मंदिर से गांव वाले रास्ते से आए हैं, तो इस रास्ते से आए हैं, वरना नीचे से आते तो इस रास्ते से आते। ये इसको बनाने में 50 साल पूरी गिनती करके भी आ गए। कितने दिन लगे? 50 दिन। 50 दिन लगे सीढ़ियां बनाने में। अच्छा, किसने बताया तेरे को? बुबू ने बताया तेरे को? रोते था, दिखाई तू नेता बनाया यार आज तो। कौन सा नेता बनाया तू? मोदी बनाया। हाँ, दित्या की वजह से ये सारा भंडारा हुआ है। दित्या पहली बार गांव आई है। हाँ, तो इसीलिए भंडारा भी हो रहा है, अभी कीर्तन भी हो रहा है मंदिर में। चौथे मंदिर में आ गए हैं हम अभी। दीदी घंटी बजा रही है तू? घंटी बजा रहा है ना? माता का मंदिर दीपा माई, जय माता रानी की। पूजा कर ली? उधर कर, इधर इधर। क्या हो गया? अच्छा, तो उधर ही चल ली है। ये आप देख सकते हैं, ये है हमारी गुफा। ये है गुफा, उसके अंदर जाने के लिए। हाँ, ऋषि जी इसके अंदर गए थे। किसने? फिर वो वापस नहीं आए? नहीं। अच्छा, ये कहानी हमको उसने बताई थी, बच्चा है ना। बच्चे ने बताई कहानी? हाँ। उसको कैसे पता बच्चे को? उसने कहा था मेरे को किसी ने बताई थी, बुबू ने। वो 10 साल पहले यहाँ पे रहते थे, वो मर गए। अच्छा, वो मर गए, उन बुबू ने बताई थी? हाँ, उसने भी बांध के जाता था रस्सी बांध के। हाँ, किसी की रस्सी खुल जाती थी। हाँ, तो वो कभी वापस नहीं आता था। और किसी के यहाँ से रस्सी छूट जाती थी तो रस्सी भी वापस नहीं आती। अच्छा, माना जाता है ऐसा। बहुत सारे मंदिर है यार। कर लिया मैंने रिकॉर्ड तेरी स्टोरी। एक ऋषि मुनि थे, वो इसके अंदर गए थे, फिर वो वापस नहीं आए थे। इससे जा रही हैं दीदियाँ, एक मेरी दीदी, एक मेरी दीदी की नंद, और चाचा और जिया जी आगे से जा चुके हैं वहाँ। कौन सा मंदिर है भाई? भाई ला। मंदिर में सफाई, क्योंकि मंदिर बहुत ही गंदा हो रखा है। हाँ, ये ऊपर है ना, इसीलिए यहाँ कमी आते होंगे। वैसे फिर गिर जाता है, ये पेड़ पौधे हैं तो गिरेगा ही, गंदा तो होना ही है। और यहाँ पे चाचा ससुर जी कर रहे हैं सफाई, और जिया जी। ये हमारी दीदी हैं जो पहाड़ी बादाम, ये जो बादाम तुम खाते हो अपने दिमाग बढ़ाने के लिए, उससे अच्छा ये बादाम खाओगे मीठे तो ज्यादा। हाँ, ये इस पेड़ से निकलते हैं ये। ये है चीड़ का पेड़, जो पहाड़ी लो जाना। ओ पे ये देखो कैसे टिप में दीद हमारे हो, शो तो टिप हमारे। ये तो बादाम है, ये है पहाड़ी बादाम हमारा। काजू किशमिश सेल है इसके सामने सब। ये गिरा। रुद्र ऐसे बहुत सारे गिरे हैं रे, आ जाओ बादाम खाने। ये आधा खुल रखा है, वरना ये पूरा कवर होता तो इसी में से निकलते हैं बादाम ये। और नैनीताल इधर, ये तो आप 100 पीस के लिए भी बहुत इसका रोजगार बढ़ गया है इससे। 100 पीस के लिए भी सब लोग आइटम वगैरह रख रहे हैं। ये है, तोड़ उसको दांत से।
आ दीदी दिखा के दिखाएगी, ये ऐसे करके दांत के बीच फंसाना है, इसके अंदर से आ गया ये दाना। अरे गजब दीदी गजब, टेस्टी टेस्टी हो रहा है और क्या मीठा हो रहा है। अच्छा दित्या सो गई है, थक गई है बेचारी, चार पांच मंदिर घूम गई है तब से, खराब चलते चलते धोती भी ऊपर सरक गई है, धोती हाथ में आ गई है, चल चल के चार पांच मंदिर घूम घूम के अब हम आ गए। ये जाएगी यूट्यूब बन रहा है। अब आ गए हम वापस मंदिर, ये हमारे भैया तब से खाना वाना बना रहे हैं, बन गया अब मेरी कासस हो गई है। सही से हो गया है, भंडारा वगैरह खा लिया है हमने, कीर्तन वगैरह भी हो चुके हैं मंदिर में, अब सब लोग आधे लोगों ने खा लिया है और आधे लोग अभी जा रखे हैं खाने के लिए, मतलब तो लास्ट थोड़ा ही बचे थे वही जा रखे हैं खाने के लिए और हमने खा लिया है, तो सब कुछ अच्छे से हो गया माता रानी की कृपा से, जय माता की। पापा भी घर जाएंगे, मैं तो आज यही हूँ, पापा जाएंगे घर को, तो बस वगैरह भी आने वाली है शायद, रोड नीचे ही है, इनका गाँव है एकदम, अगर मैं लास्ट होल भंडारा और सबने खा लिया है, बस ये लास्ट है ये लोग खाने वाले, पापा बांट रहे हैं खाना वगैरह, अच्छे से हो गई दित्या के नाम से जो भंडारा किया था अच्छे से हो गया, और हम मैं जल्दी आ गई थी, मैं कपड़े भी चेंज कर लिए बाद में आए, ये कह रहे हमने डांस वांस किया तो ब्लॉग नहीं बना पाई वो वाला, और दित्या वहीं छूट गई थी, अपना आ गई घर, दित्या को अपनी लड़की को छोड़ के आ गई वहीं, बताओ भंडारा करके दोबारा लेने गए हैं, बताओ यार क्या हो गया था, गांव में छोड़ के आ गई दित्या के साथ, क्या हो गया था आज। और बारिश भी आने वाली है, पूरा फुल ऑन मौसम बन चुका है बारिश का, तो बारिश भी आने वाली है। सो यहीं पर आज की वीडियो को करते हैं एंड, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई है, और तो करते हैं एंड वीडियो को, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुश रखिए एक दूसरे को, एंड मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय। और नल पूरा बंद करना है क्या इसको? हाँ बंद कर दिया रे मैंने नल को, वाह एक ही हाथ में,
ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच।